नमस्कार, मैं विशाल आज आपसे कुछ संवाद करने के लिए आपके सामने आया हूँ। इस प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए जहाँ आज ये जिम, जहाँ किसी ज़माने में या किसी वक्त में आज से एक महीना पहले बहुत ही हरे भरे होते थे, यहाँ लोगों का आना जाना, यहाँ लोगों की पॉजिटिव वाइब्स और हमारी पूरी ट्रेनिंग टीम जिस तरह से उनके साथ रहती थी और उनको डिस्ट्रेस करती थी, उनकी उनके मेडिकल प्रॉब्लम के हिसाब से उनको एक्सरसाइज कराती थी और उनको कई सारी चीज़ों से दूर रखती थी, आज वो जो जिम इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बंद हो गई है, वीरान हो गई है। और ये इससे बड़ा शॉकिंग और इससे बड़ा सदमा हमारे लिए और सोसाइटी के लिए नहीं हो सकता। तो इस पैंडेमिक ने सब कुछ बंद कर दिया, इस पैंडेमिक ने जीवन को जैसे ठप सा कर दिया है, और कब तक ये शायद ना हम जानते हैं। हमें जो आदेश मिला, हमें गवर्नमेंट ने जो कहा कि आपको अपनी इंडस्ट्री को बंद करना है, और हमने उसको बंद कर दिया बिना सोचे समझे कि अब हमारी टीम, हमारे रोजी रोटी या हमारा जो इस जगह का जो चीज़ें जो यहाँ पर चलती थी वो आगे कैसे मीट आउट होंगी, कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा, कैसे मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाऊंगा, कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल जो है मेरे जैसे कई लोगों के लिए है जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस इंडस्ट्री पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, वो एक्टिवली डिपेंडेंट हैं, और दूसरे जो हैं जो हम लोगों से जुड़े हुए थे वो बहुत सारी सोसाइटी के लोग हमसे हमारे पर निर्भर। तो ये जो मैं बात कर रहा था, अब इसको आगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमको तो इसी में ही कुछ पॉजिटिविटी सोचनी है। और मैं आपको यहीं से कुछ संदेश देना चाहता हूँ, जो आप लोग अपने घर पे बैठे हुए अपने दोस्तों तक इसको जितना ज़्यादा हो सकता है इसको स्प्रेड करें और समझें कि वक्त की डिमांड क्या है। वक्त की डिमांड यही है, यही समझ में आता है कि अगर जान रहेगी तो जहान रहेगा, और जान रहने के लिए उसके लिए हमारा दिमागी संतुलन बने रहना बहुत ज़रूरी है। दिमागी संतुलन रहेगा तो शारीरिक संतुलन हम बना सकते हैं। तो हमें इस वक्त माइंड और बॉडी को सिंक करना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच का जो तालमेल है ना, वो कहीं ना कहीं टूट गया है, लोग परेशान हो गए हैं, और मैं आज इसी के लिए आपके सामने आया हूँ कि आपका वो तालमेल वापस से मैं बना सकूँ और उस चीज़ को आप आगे उसको मेंटेन करें। उन स्टेप्स के बारे में बात करूँगा थोड़ी देर।